प्लीज सब्सक्राइब भाई की आवाज। चतुर बीरबल में आज की कहानी है तीन मूर्तियां। एक बार एक शिल्पकार बीरबल की परीक्षा लेने के लिए तीन मूर्तियों को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में आया और बोला, हुजूर यह तीन मूर्तियां देखने में तो एक जैसी हैं, लेकिन इनमें से एक मूर्ति दो से श्रेष्ठ है। आप बीरबल से कहिए कि वह श्रेष्ठ मूर्ति की पहचान करके बताए। बादशाह ने बीरबल की तरफ देखा तो बीरबल उठे और तीनों मूर्तियों को अपने हाथ में लिया। उलट पुलट कर बहुत देर तक ध्यान से देखते रहे। उन्हें मूर्तियों के कान और मुंह में बारीक बारीक छेद दिखाई दिए। फिर बीरबल ने एक लंबा और पतला तार मंगाया। उन्होंने एक मूर्ति के कान में तार डाला। वह तार उस मूर्ति के मुंह में से बाहर आ गया। अब उन्होंने दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला, वह उसके दूसरे कान से बाहर आ गया। अब बीरबल ने तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो वह तार सीधा मूर्ति के पेट में उतर गया। बीरबल ने इसी मूर्ति को उठाकर कहा, यह मूर्ति श्रेष्ठ है। शिल्पी ने पूछा, इसका कारण बताइए। बीरबल बोले, कल्पना करो कि मूर्ति राजा का मंत्री है और तार राजा की गुप्त बात। पहली मूर्ति के कान में डाला हुआ तार उसके मुंह से बाहर आया। इसका मतलब यह हुआ कि मंत्री राज्य की गुप्त बात कहीं भी कह सकता है, और जो मंत्री राजा की गुप्त बात को किसी के भी सामने बोल देता है वह मंत्री विश्वास योग्य नहीं है। दूसरी मूर्ति के एक कान में डाला हुआ तार दूसरे कान से बाहर आ गया। बात चाहे कितनी ही महत्वपूर्ण हो, जो मंत्री उस पर ध्यान नहीं देता और उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देता है वह भी योग्य नहीं है। ऐसा लापरवाह मंत्री राज्य के लिए खतरा खड़ा करवा सकता है। तीसरी मूर्ति के कान में डाला हुआ तार सीधे उसके पेट में उतर गया। जो मंत्री राज्य की गुप्त बात सुनकर उसे अपने पेट में रखता है, किसी से कहता नहीं, वही श्रेष्ठ माना जाएगा, इसलिए यही मूर्ति श्रेष्ठ है। शिल्पी बीरबल का खुलासा सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने बीरबल को गले लगा लिया और तीनों मूर्तियां बीरबल को उपहार में दे दी। बीरबल का फैसला सुनकर अकबर भी वाह वाह कर उठे और मुस्कुराए बगैर ना रह सके।